अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल, न्यू वीडियो। सो जी, आज का सीन कुछ यूँ है। आज का बेसिकली मैं व्लॉग नहीं कर रहा, ये एक बेसिकली फूड रिव्यू है। आई वाना डू फॉर अ फूड रिव्यू। अच्छा, अब फूड रिव्यू मैंने लाइक कहना था, काफ़ी दोस्त वगैरह कह रहे थे मुझे, जिसे कहना चाहिए ना, फरमाइशें वो आ रही थी कि यार आप कोई फूड रिव्यू करो। हम मैं कोई अगेन फूड एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, सो मैंने डिसाइड किया कि यार कौन सा फूड करें हम, मतलब क्या कर सकते हैं। अगर खाने के बारे से देखा जाए तो कराची इज़ द बेस्ट प्लेस एवर फॉर फूड। बट मेरा सीन कुछ ऐसा था कि कराची तो हम जाने से नहीं रहे, ठीक है ना। सो हमने डिसाइड किया भाई कि हमने डिसाइड किया कि यार अगर तो लाहौर में करना ना, खाना देसी फूड और ये सारी चीज़ें होती हैं कराची की। लाहौर का होता है फास्ट फूड, अगर आपने ट्राई करना है तो लाहौर इज़ बेस्ट प्लेस फॉर फास्ट फूड। सो वी डिसाइडेड गो फॉर अ फास्ट फूड इन लाहौर। अब बात यह है कि वट वी ट्राई इन लाहौर इन फास्ट फूड। सो वी डिसाइडेड, मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया, उनमें से 90% लोग से इसके यार आप बर्गर ट्राई करो मुख्तलिफ किस्म के। अब मैं बता दूँ कि मैं फूड एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना ओपिनियन आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिक रिव्यू लेकर आऊँगा उसके लिए। सो यस, वी आर गोइंग इन जोहर टाउन, को अच्छी से हम बर्गर देखते हैं। तीन चने मैंने सेलेक्ट किए हैं बेसिकली, हाउडीज़, हार्डीज या जैसीज बर्गर। इन तीनों में से हमको एक शॉप सेलेक्ट करके वहाँ की कोई डील चल रही होगी तो वो देखेंगे। देखते हैं अभी क्या सीन है, ट्राई करते हैं, पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। अभी कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि हमने एक रिव्यू बनाना है फूड का, और आप मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अगर नया चैनल पे है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दो चीज़ें हैं हमारे पास, बर्गर अगर या पिज़्ज़ा, या फिर अगर कोई डील है तो फिर वो डील ट्राई हमें करनी पड़ेगी। और डील अगर कोई हमें अच्छी लगी मुनासिब तो ही लेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जी, हेयर वी गो, कॉल स्टार्ट हो गई गाड़ी। एज यू नो, तकरीबन 2300 किलोमीटर चल गई है और 4000 रुपये हम इसका ना ऑयल चेंज करवाएंगे। तो जी, नाउ आई एम इन पापा जॉन्स। मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया कि किधर जाएं किधर जाएं, काफ़ी लोगों ने मशवरा भी दिया इधर चले जाओ उधर चले जाओ। मैं तकरीबन बहुत साल पहले इधर मैंने ट्राई किया था, टिल नाउ मुझे अभी कुछ नहीं पता कि कैसा टेस्ट है कैसा टेस्ट है, लेकिन दोस्तों ने कहा कि तुम यहाँ का ज़रूर ट्राई करो। सो यहाँ का मतलब पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। मैंने सजेशन काफ़ी लोगों से सजेशन ली और मैंने फाइनली हमने डिसाइड ये किया कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। सो आई एम राइट नाउ एट पापा जॉन्स, बिकॉज इनका पिज़्ज़ा का मैंने ऑर्डर दे दिया है। हॉट पेपरोनी हमने जो है वो फ्लेवर ऑर्डर किया है, डील थी बेसिकली। और डील जब आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो कैसा है कैसा नहीं है, जब आएगा वो मैं आपको तब दिखाऊंगा। लाहौर में अगर आया कोई बंदा और अगर उसने पिज़्ज़ा ट्राई करना है तो आई मस्ट रिकमेंडेड यू कि वो इधर ज़रूर आए पापा जॉन्स पे, आपको एक बेहतरीन टेस्ट मिलता है। अच्छा, पिज़्ज़े का जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है ना, वो ये नहीं होता कि उसकी लेयर्स कैसी हैं, सॉफ्ट है, क्रंची है, क्रिस्पी है, जो असल बात होती है ना उसकी, वो होता है उसके ब्रेड में, ब्रेड सॉफ्ट है आया कि सख्त है। अगर ब्रेड सॉफ्ट है तो वो पिज़्ज़ा डिलीशियस भी होगा, टेस्टी भी होगा, लेकिन उसकी जो लास्ट बाइट होती है ना, अगर उसमें आपको जूसी फील आ रही है ना तो मतलब पिज़्ज़ा सही है, और अगर लास्ट बाइट में आपको जूसी फील नहीं आ रही मतलब पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है। और यस, यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, आई लाइक इट। हमारा पिज़्ज़ा आ गया फाइनली, और अभी इसको मैं कट करता हूँ और आपको एक ऑथेंटिक रिव्यू देता हूँ इसका टेस्ट का। बाकी ऐसे देखने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और बस ज़्यादा रुका नहीं जा रहा आपको, बस बताता हूँ मैं, लेट्स गो। तो जी, इधर हमारा जो पिज़्ज़ा था आ गया। अच्छा, ये तो इसीलिए थिन क्रिस्ट है, थिन क्रस्ट। सो इसको भी हम ट्राई करेंगे। इसके ऊपर मुझे ये जलफिनो नज़र आ रही हैं, ये चिकन नज़र आ रहा है, इसके बाद ये सॉसेस में ट्राई की हुई हैं, इसके अलावा ये कैरेट है, कैबेज है, ओनियन है इसके अंदर, और अब हम इसको ट्राई करते हैं। सो यस, मैंने बाइट लिया। एक दूसरी बाइट थी, अच्छी बाइट थी काफ़ी, और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ब्रेड इसका सख्त है या इस समय की बात है। क्रस्ट की जो एक लेयर है उसका टेस्ट पूरा मेरे अंदर आया, सॉसेस का टेस्ट मेरे अंदर आया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। सो यस, एल्पिनो के साथ मैं ट्राई करता हूँ।
भाई ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये चीज़ सारी गेम ही इसकी है बेसिकली, ये हॉट सॉस है और ये इतना अच्छा ये हमें फ्लेवर दे रही है, जायका हमें इसका आ रहा है। एंटी क्रस्ट लेयर भी थिन क्रस्ट अगर आप ट्राई कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर हॉट सॉस डाली है मैंने, यार इट इज़ इनक्रेडिबल। बिलीव करें पिज़्ज़े का तो टेस्ट सभी जगह है, लेकिन इस हॉट सॉस की वजह से जो गेम नेक्स्ट लेवल पे जा रही है ना, वो नेक्स्ट लेवल गेम हो रही है भाई। इस टाइम मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी चीप जगह बैठ के खा रहा हूँ, और लिटरली जो हॉट सॉस ने गेम दिखा दी अपने, इट्स इनक्रेडिबल ऑन नेक्स्ट लेवल यार। ये जो ये सॉस है ना भाईजान, ये इसकी बात ही अलग है, कुछ थिन क्रस्ट है, उसके ऊपर लेयर है चीज़ की, ये फुल चीज़ ही लेयर है। एक मैं दिखाता हूँ आपको, ओके ये आप लोग देख सकते हैं, एक स्लाइस मैंने लिया हुआ है इसका, ये चिकन पीस है जो आपके सामने है, इसके ऊपर जो चीज़ है मैंने कोटेड की हुआ है ना, ये चीज़ एक ऐसी कोटेड की हुई है कि लाइक आखिरी आपकी बाइट तक ना आपको ऐसा नहीं लगता है कि चीज़ कहीं से ख़त्म हो रही है या फिर लाइक एंड पे जा रही है। ये हॉट सॉस आ गया इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जलफिनोज हैं, इसके ऊपर इन्होंने ये हुडीज डाली हुई हैं, अनियन है इसके अलावा, इसके अलावा जलफिनोज हो गई, चिकन है इनका, मतलब नेक्स्ट लेवल टेस्ट। सो जी वी फाइनली डन इट, और मैं आपको एक फाइनल अपनी वर्डिंग दे दूँ, जो फाइनल वर्डिंग मैं इस पिज़्ज़े के बारे में दूंगा ना आपको, एक तो ये था थिन क्रस्ट, इसके ऊपर जो चीज़ी फ्लेवर था इसका सारा, और इसके ऊपर जो सॉस थी और ब्लैक पेपर, दोनों का मिक्स टेस्ट जो आ रहा था यार, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स अनएक्सप्लेनेबल, मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकता। जो टेस्ट था ना जो गेम इस सॉस ने डाल दिया, वो नेक्स्ट लेवल गेम थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अगर आप लोग लाहौर से बाहर कोई देख रहे हैं या कोई लाहौर में है और अगर उसने पापा जो पिज़्ज़ा अभी तक नहीं ट्राई किया, सो आई फुली हाईली रिकमेंडेड यू कि अभी आएँ और अभी ट्राई करें इसका पिज़्ज़ा, इट्स वेरी गुड, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। और आप दो तीन स्लाइस खा लें, क्योंकि मैं फूडी तो हूँ नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने एक नॉर्मल स्लाइस दो या तीन खाए हैं और मेरा पेट मतलब फुल आई फुल हो गया मैं। और ये कराची वालों के आदतें होती हैं कि जब तक उनकी नाक ना बहना शुरू हो जाए, वो सुर सुर ना कर रहे हों, तब तक उनको मज़े नहीं आते, लेकिन हम लाहौरी ऐसे नहीं होता, लाहौरियों को ज़रा मेडोकर से जायके पसंद आ जाते हैं। सो ये नाक बहने वाले अगर मज़े चाहिए ये भी आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन दूसरी चीज़ भी होती है यहाँ पर, सो आई फुली रिकमेंड इट जी। तो भाई आ जाए इधर, आ जाए, आ जाए, आ जाए, ओके। सो जी ये था आज का मेरा फूड रिव्यू, और अगर आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन जो कि आपको आया है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करने चैनल को, क्योंकि अगर आप ऐसे चाहते हैं वीडियोस मैं और बनाऊं, सो सब्सक्राइब करने चैनल ताकि मुझे पता लग जाए आप लोग चाहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आऊं, तो मुझे राइट डाउन इनटू द कमेंट आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप फूड रिव्यूज़ करें, और मुझे आप बता दिया करें किस चीज़ का आपको फूड रिव्यू चाहिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए होपफुली लेकर आऊँगा जी। तो भाई मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।